हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। जिन सैमसंग गैलेक्सी में वन यूआई 4.0 का अपडेट आ चुका है, उसके अंदर के आपको मैं तीन नए हिडन फीचर बताने वाला हूं जो कि मुझे लगे आफ्टर वन यूआई 4.0 के, और ये काम के नए फीचर हैं दोस्तों। ये फीचर आपको कहां मिलेंगे, कैसे यूज करना है, तो आगे आपको वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा तो ही आप समझ पाएंगे। दोस्तों चलते हैं आगे। मेरा नाम सनी अरोड़ा और आपका स्वागत है मेरे चैनल एसेट टेक में। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, मैं आपको बताने वाला हूँ तीन नए हिडन फीचर बताने वाला हूँ जो कि आफ्टर वन यूआई 4.0 के जो कि मुझे लगे। तो यहाँ पर सबसे पहला जो हिडन फीचर है वो है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को लेकर। दोस्तों उसके लिए आपको करना क्या होगा, यहाँ जाना आपको अपने मोबाइल की सेटिंग पे। सेटिंग पे जाने के बाद आपको यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे, आपको यहाँ जाना है लॉक स्क्रीन वाले ऑप्शन पे। जैसे ही आप लॉक स्क्रीन वाले ऑप्शन पे जाएंगे, आपको यहाँ पर जाना है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पे। आपको दिख रहा होगा, आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पे जाना है। यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे आपको एक नया ऑप्शन मिल रहा है, शो फॉर न्यू नोटिफिकेशन। मतलब कि जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है वो तब आपको शो हो जब आपके पास कोई नया नोटिफिकेशन आया, जो कि नया लेटेस्ट हिडन फीचर है। पहले ये फीचर नहीं था वन यूआई 3.1 में या 3.0 में, ये फीचर नहीं था, वहां पर आपको शो ऑलवेज आता था। अब यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन दे दिया गया है, शो फॉर न्यू नोटिफिकेशन। और मुझे लगता है यहां पर जो शो है शेड्यूल वाला ऑप्शन भी, ये भी नया दिया गया है जो कि पहले नहीं था। तो आप मुझे अलग कमेंट करके जरूर बताएं कि ये अलग फीचर वन यूआई 3.1 में था या नहीं था, बट ये शो फॉर न्यू नोटिफिकेशन वाला फीचर तो लेटेस्ट अभी इसी वन यूआई 4.0 में ही रिलीज किया गया है। तो कि इसमें फायदा यह है कि अगर आपके पास कोई भी नया नोटिफिकेशन आएगा वो आपके ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पे दिख जाएगा, ताकि आप उसको फट से जो भी आपके पास जो भी नोटिफिकेशन आई आप उसको रीड कर सके। तो ये फीचर मुझे बहुत कमाल का लगा, जिसको मैंने यहां पर एक्टिवेट करके भी रखा है। तो उम्मीद है कि आपको भी अलग फीचर पसंद आएगा। दोस्तों उसके बाद जो सेकंड फीचर बताने वाला हूं, उसके लिए आपको करना क्या है, यहां पर आपको अपने कोई से भी किसी भी ऐप में चले आना है, वहां पर आपको कीबोर्ड पर खोल लेना है। कीबोर्ड खोलने का दोस्तों यहां पर आप देखेंगे जो लेटेस्ट फीचर ये है, आपको जो क्लिपबोर्ड होता था पहले, क्लिपबोर्ड में आपको सिर्फ न्यू करके स्टोर करके देखने पड़ते थे। अगर आपने कोई भी फोटो या क्लिक करी हो तो आपको क्लिपबोर्ड में आपको एक एक करके देखने थे, बट अब यहां पर आपको एक अच्छा ऑप्शन मिल गया है। आप यहां पर शो मोर पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपका कीबोर्ड पूरा आप न्यू ऊपर कर देंगे तो पूरा ऊपर तक भी कर सकते हैं, और आप इजीली देख सकते हैं कि आपने क्या क्लिपबोर्ड में सेव करके रखा है और क्या क्या है, मतलब आप उसको फुल स्क्रीन पे भी एक्सेस कर सकते हैं। तो सेकंड हिडन फीचर तो ये था, ये मुझे सबसे अच्छा लगा, क्योंकि यार बहुत सारी चीजें हम कॉपी तो कर लेते हैं पर बाद में भूल जाते हैं यार हमने क्या क्या करा था, कहां देखें। तो आप इसको देख सकते हैं बहुत इजीली, वहां पर आप देख पाएंगे आपने क्या क्या वहां पर कॉपी करा हुआ था। उसके बाद थर्ड फीचर बताने वाला हूं, वो तो और कमाल का है दोस्तों। उसके लिए आपको करना क्या होगा, उसके लिए आपको जाना होगा अपने मोबाइल की सेटिंग पे। सेटिंग पे जाने के बाद आपको जाना होगा यहाँ पर एसेबिलिटी वाले ऑप्शन पे। एसेबिलिटी में जाने के बाद आपको जाना होगा एडवांस सेटिंग पे। एडवांस सेटिंग पे जाने के बाद आपको एक और यहाँ पर हिडन फीचर मिल रहा है, जिसका नाम है एसेबिलिटी बटन, जो कि आफ्टर वन यूआई 4.0 के बाद ये आपको मिला है। इसके अंदर क्या होगा, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर नेविगेशन बार में भी कर सकते हैं और चाहे तो फ्लोटिंग बार में भी कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, पहले तो सिलेक्शन ऐप सिलेक्ट कर लेनी है, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। तो मैंने जैसे बटन बताना है तो मैंने यहां पर डाल दिया एक्स्ट्रा डिम डाल दिया, कलर करेक्शन डाल दिया, म्यूट ऑल साउंड डाल दिया, और जो भी आपको अपने काम के जो भी फीचर लगते हैं आपको यहां पर डाल देना है और उसको यहां से बैक कर देना है। बैक करने के बाद अब देखेंगे आपको यहां पर इसकी ट्रांसपेरेंसी को भी सेट करना है, जितनी ज्यादा ट्रांसपेरेंसी होगी उतने ज्यादा वो दिखेगा। जैसे आप देख सकते हैं ये कम कर रखा है मैंने, और यहां फुल कर दूंगा तो ट्रांसपेरेंसी फुल आ रही होगी, आपको दिख रहा होगा। आपको यहां से यूज कर देना है और यहां पर आपको टिक कर देना है फेड व्हेन नॉट इज यूज, मतलब जब आप इसको यूज नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिक वो डिम हो जाएगा। तो इसको यहां से कर देना है। इसका साइज भी आप यहां पर एडजस्ट कर सकते हैं, स्मॉल, लार्ज और मीडियम। अभी मीडियम पे बाय डिफॉल्ट सेट है। अब ये वर्क कैसे करता है, लाइक मैं यहां पर आ गया हूं बाहर, तो आप देखेंगे आपको ये साइड में नोटिफिकेशन दिख रहा है। आपको अगर मान लीजिए एक्स्ट्रा डिम लाइट करना है तो आप इस पर क्लिक कर देंगे तो एक्स्ट्रा डिम यहीं से हो जाएगा, और यहीं से आप इसको ऑन भी कर सकते हैं। और म्यूट ऑल साउंड करना है तो आप यहीं से म्यूट ऑल साउंड भी कर सकते हैं और म्यूट ऑल साउंड ऑफ भी कर सकते हैं। मतलब कि यहां पर आपको बहुत शानदार ये वाला फीचर दे दिया, आपको बार बार एसेबिलिटी में जाने की जरूरत नहीं होगी, जो भी करना है आप यहीं से ही कर सकते हैं। लाइक कलर करेक्शन करना है तो कलर करेक्शन भी आप यहीं से ही कर सकते हैं। तो ये वाला फीचर भी मुझे बहुत शानदार लगा दोस्तों। यहां पर आप बहुत सारे ऐड भी कर सकते हैं, जो भी आपको एक्शन करने हैं तो यहां पर बहुत सारे एक्शन हैं, जो भी आपके रिक्वायरमेंट वाले एक्शन होते हैं आप उसको वहां पर ऐड कर लीजिए और उसके बाद वहां पर एक्सेस कर पाएंगे, तो फिर डेफिनेटली बहुत मजा आने वाला है दोस्तों। ये मैंने आपको तीन हिडन फीचर बताया, उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो थैंक यू। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक जरूर करें। अगर आपको लगता है दोस्तों मेरे वीडियो कुछ कमी है तो मुझे डिसलाइक भी कर सकते हैं दोस्तों। और अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी, आप मुझसे डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करके भी पूछ सकते हैं। और सबसे जरूरी चीज दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज मेरे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मेरे चैनल की नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। और हो सके तो मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक फॉलो करना भी ना भूलें, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो थैंक यू।